रैंक सीजन 37 आ चुका है, हमारा रैंक ड्रॉप हो चुका है फाइनली ग्रैंड मास्टर से। इतनी मेहनत करके जो हमने लास्ट सीजन पुश किया था, अभी लाइट मास्टर से हो रहा है, बट ग्रैंड मास्टर से हम आ चुके हैं डायमंड थर्ड पे, एंड हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस जर्नी में तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये है हमारे हाईलाइट्स, कैसे हम ग्रैंड मास्टर गए थे बस 4-5 घंटों के अंदर। एंड हाँ, आज की वीडियो में मैं तुम्हें बहुत सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा कि भाई तुम रैंक पुश वगैरह क्यों नहीं करते हो, एंड मैं ग्रैंड मास्टर कब जाऊँगा, टॉप वन कब करूँगा। तुम लोग ऐसे मेरे से सवाल पूछते रहते हो ना, तो आज की वीडियो पूरी एंड तक देखना। एंड हाँ, आज की वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेन रीजन क्या है मेरे रैंक पुश नहीं करने का, एंड अब मेन रीजन क्या होने वाला है कि मैं आगे रैंक पुश करने वाला हूं उसको लेके। एंड साथ ही साथ तुम्हें बैकग्राउंड में हाईलाइट्स दिख रहे हैं, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं कि भाई हम एक दूसरे को ट्रीटमेंट मार रहे हैं, तुम्हें पता होगा ये थोड़े से मिशन होते हैं, एंड ये हमारे पहले दिन का गेम है, तो थोड़ा तो बनता है कि भाई सारे मिशन वगैरह हम लोग कंप्लीट करके खेले ताकि हमें एक्स्ट्रा प्लस मिले, ठीक है। एंड जिसको नहीं पता, हमारे गेम में एक बंदर आ चुका है, एंड जिसको ये मंकी बोलते हैं, इसके अंदर 300 टोकन मिलते हैं। अब देखो, तुम्हें अगर सच में रैंक पुश करना है तो अपनी चीजों में, मतलब अपनी मेमोरी में 2-3 चीजें डाल लेना कि भाई हर जगह तुम्हें टोकन्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, तुम्हें कौन कौन सी जगह, मतलब एक टू जेड, जैसे तुम किसी प्लेस के बारे में सोचो तुम्हारे मेमोरीज के अंदर ना पूरी पिक्चर आ जानी चाहिए, भाई इस जगह ऐसा ऐसा होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑब्जर्वेटरी का ले लो, जैसे तुम ऑब्जर्वेटरी के बारे में सोचो तुम्हें हर एक चीज याद आ जानी चाहिए, कहाँ पे वेंडिंग मशीन है, कहाँ पे टोकन्स है, कहाँ पे घर है, सब कुछ, ठीक है। चार बंदे हम खेले हैं, एंड जोन में मेरा एक दोस्त फिनिश हो गया था, उसने बोला कि भाई जोन में भी बंदे घूम रहे, तो मैं बस बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, इसके बॉक्स से मैंने टोकन उठाए थे, एंड मेरे को सामने एक एनिमी स्पॉट हो गया, एंड इस बंदे को मैंने मारना स्टार्ट कर दिया। तो मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता, अगर तुम अच्छा खासा रैंक प्लस करते हो तो तुम्हें गेम में 4x स्कोप मिलता होगा एंड थर्मल स्कोप मिलता होगा, तो भाई तुम हमेशा 4x यूज करते हो, थर्मल ड्रॉप कर देते हो, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द प्लेयर यही करते हैं, बट इस केस में तुम्हें ऐसा नहीं करना, तो मैं थर्मल स्कोप एंड 4x स्कोप दोनों अपने गेम, मतलब अपने बैग में रखने, हमेशा तुम्हें 4x यूज करना है, लेकिन जब तुम्हें बंदा इजीली स्पॉट नहीं होता है तो तुम्हें थर्मल स्कोप लगा के इसको, मतलब स्कोप इन करना है, तो बहुत जल्दी बंदा दिख जाएगा क्योंकि उसमें हाईलाइट हो जाते हैं ग्रीन कलर के, तो तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मजा आएगा, ठीक है। एंड ये जो बैकग्राउंड में तुम हाईलाइट्स देख रहे हो, इस गेम में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये एक गेम के नहीं है, हमारी जो जर्नी है बहुत सारे गेम्स के हैं, एंड आई थिंक तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि ग्रैंड मास्टर जाने तक के, एंड ग्रैंड मास्टर पहुंचने से पहले तक के सारे गेम है, हम कैसे जल्दी जल्दी मर जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भाई जिस गेम में मैंने बोया करे वही गेम तुम्हें दिखाऊंगा, मैं वो हाइलाइट्स दिखाऊंगा कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या गलती नहीं करनी। अगर मैं डायरेक्ट बोया वाले दिखाऊंगा तो भाई उसका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को ग्लू लगानी चाहिए थी, मैंने ग्लू बॉल नहीं लगाई है, सबसे बड़ी गलती। अब तुम मेरी जो वीडियोस है उसको देख के तुम ये चीजें सीख सकते हो कि भाई हाँ, अभी जोन में इतने अंदर भी बंदे मिल सकते, तो ग्लू बॉल ऑलवेज कंपलसरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मैं एक चीज बता देता हूँ, आखिर क्यों मैं रैंक पुश वगैरह नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता होगा मेरा पुराना स्क्वाड जो था, मैं था, शानी गेमिंग वगैरह था, तो अभी के टाइम पे वो बंदे नहीं है जो मेरे साथ वाले थे पहले के टाइम पे। मेन रीजन ये है कि भाई मैं रैंक पुश क्यों नहीं कर रहा, तुम्हें पता चल गया होगा, तो मैं अगर दिखा देता हूं, मेरी तुम्हें स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें टॉप टू पे एक बंदा दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में टॉप वन पे मैं दिख रहा हूँ, सेकंड नंबर पे शानी गेमिंग है जो कि रीजन पे टॉप टू पे था बहुत पहले, यहाँ से पहले बार ये मेरा एक दोस्त बना था। एंड पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम बता दो, अगर तुम एक सच्चे फ्री फायर प्लेयर हो तो भाई ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। मैं हर वीडियो के लिए तो मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो मेरा दोस्त था शानी गेमिंग ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था एंड इसका डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली, एंड इसका जो प्रॉब्लम था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे साथ रैंक पुश वगैरह करता था, इसका भी मेन मकसद वही था, मतलब हम चैनल वगैरह ग्रो करेंगे, अच्छा खासा फेम कमाएंगे एंड बहुत मजे में रहेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, वैसा वाला सीन था, ठीक है। एंड हुआ क्या, जैसे इसका चैनल ग्रो हुआ, इसने 1 मंथ के अंदर 7 से 8 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया एंड बहुत जल्दी इसके 10 मिलियन भी होने वाले थे। तो एक दिन क्या हुआ, इसका जो भाई था उसने इसका चैनल हैक कर लिया, मतलब तुम सोच लो इसका खुद का जो बड़ा भाई था उसने इसका चैनल स्कैम कर लिया घर पे ही, एंड आईडी पासवर्ड चेंज कर लिया। अब ड्यू टू भाई इसका वो बड़ा भाई था तो ये कुछ कर भी नहीं पाया, इसने मम्मी पापा को भी बोला, मम्मी पापा भी इसका सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसके बड़े भाई का ही बोल रहा है। इसने 0 से उठा के वो चैनल को पूरा 8 मिलियन तक लेके गया था, एंड मेरे आंखों की बात है क्योंकि इसका डायमंड प्ले बटन वगैरह, मतलब जो इसका गोल्ड प्ले बटन था, सिल्वर प्ले बटन था, इसने मेरे को कॉल करके फॉर्म वगैरह फिल करवाया था, मैंने इसकी हेल्प करी थी कि कैसे फिल वगैरह करना है, एंड तब इसका भाई पहली बार मेरे सामने आया, तो मैंने बोला तेरे भाई क्यों फॉर्म वगैरह फिल कर रहा है, मतलब तू अपने पास बुला सकता है, अपने भाई के पास क्यों भेज रहा है। तो ये बोला कि क्या बोलूं, मेरी अभी एज 18 कंप्लीट नहीं हुई है, एंड मेरे भाई ने बोला ऐसा ऐसा, तो मैंने कहा चल ठीक है कर देता हूं, लेकिन मैंने उसको इस वक्त बोला था थोड़ा देख के रहना, वो बोला कोई बात नहीं भाई है मेरा। फिर उसने चैनल वगैरह हैक कर लिया, फिर इसको मतलब इसके मोबाइल से पूरी तरीके से लॉग आउट करा दिया, एंड तो ये एकदम पागल हो गया कि भाई तुम्हें पता है तुम कोई चैनल 0 से उठा के पूरा 8 मिलियन तक लेके जाओ एंड वो चैनल तुम्हारे हाथों से हैक हो जाए, एंड तुम साइबर कंप्लेंट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारा खुद का भाई है, तो कैसा बीतेगा, तुम खुद सोच सकते हो अपने ऊपर। तो भाई इसी को चल के बाद में इसने बहुत ट्राई किया था, इससे कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट में चल के इसको हर तरीके से मना कर दिया, तो बस फिर लास्ट में इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था एंड फिर इसका डेथ हो गया 1 महीने बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद। तो
मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं बताता हूँ। मेरे स्क्वाड का ये परमानेंट मेंबर था एंड शानी एक अलौता ऐसा बंदा था जिसमें मैं आंख बंद करके पूरा भरोसा कर सकता था। एंड इवन तुम्हें याद होगा मेरा जो मेन ग्लोबल का आईडी जब बैन हुआ था तो मेरे पर क्या बीती थी तुम्हें पता होगा। तो इस बंदे ने मतलब विशाल ने अपनी आईडी मेरे को दे दी थी कि बेटू भाई तुम मेरी आईडी से खेलो। एंड वो वाली आईडी भी कुछ टाइम बाद बैन हुई थी, कुछ महीनों बाद। हमें समझ नहीं आया था आखिर कर कौन रहा है। फिर बाद में पता चला कि भाई एक बंदा था जो मतलब समझ सकते हो किसके कहने पे उसने हमारी आईडी पे हैक लगाया था कि भाई टॉप वन ताकि वो बंदा कर ले। होप करते तुम्हारे समझ में आ रहा होगा, किसी और को टॉप वन करना था तो उसने मेरी आईडी पे हैक लगवाया ताकि बेटू ऊपर नहीं निकल पाए। एंड तुम्हें पता होगा उसी के बाद से मैंने रैंक पुश करना छोड़ दिया था कि भाई टॉप वन करने के लिए इतना क्या नीचे गिरना कि भाई दूसरों की आईडी बैन करवा दो। एंड जो बंदा मेरी आईडी पे खेल रहा था शायद उसको पैसे वैसे दिए होंगे या फिर कुछ भी किया होगा, भाई उसने मेरी आईडी पे हैक लगाया, शनि की आईडी पे हैक लगाया एंड दोनों की आईडी बैन करवा दी। बाद से मेरा रैंक पुश उतना मन उतर गया था क्योंकि खुद की आईडी जाने का फिर मन भी नहीं गया तो हम लोगों ने नहीं किया था रैंक पुश। तुम्हें पता होगा शनि को अगर मैं बताऊँ तो मैं जब दिन में खेलता था मेरे आईडी से दो तीन बंदे खेलते थे। अब देखो मैं खुद बता रहा हूँ कि ग्लिच वगैरह भी करते थे क्योंकि उस टाइम पे एक दो बंदे थे जो ग्लिच कर रहे थे तो हम भी करते। नाइट में मैं शानी को अगर अपनी आईडी दे देता था तो मैं एकदम टेंशन फ्री हो जाता था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो अपनी आईडी समझ के सारी चीजें मैनेज कर लेता था पूरे अच्छे तरीके से। अभी के टाइम पे जो मेरे पास बंदे हैं, एक दो दोस्त हैं, भाई दोस्त ही बोल सकता हूँ क्योंकि उन पे मैं पूरी तरीके से भरोसा भी नहीं कर सकता, ना ही वो रैंक प्लस उतना अच्छा करते हैं। प्लस भाई कुछ तो बंदे ऐसे मेरे दोस्त हैं अभी के टाइम पे भाई वो भाग जाएंगे, फोन वोन भी नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे बंदे हैं। बस शानी जैसा मेरे को दूसरा बंदा अभी तक मिला नहीं है। एंड तुम्हें पता होगा जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट दिखाया तुम अभी देख सकते हो वीडियो में, ये जो टॉप टू वाला सीन है ये वाला मैंने तुम्हें क्यों बताया वो बता देता हूँ। शानी का मतलब एक टाइम पे ड्रीम था कि भाई उसको टॉप वन करना है एंड जो मैंने नहीं करने दिया था, मतलब तुम समझ सकते हो उस वक्त शानी और मैं अननोन बंदे थे एक दूसरे के लिए। एंड मैंने टॉप वन किया था तो शानी बहुत सीजन के एंड तक पूरा ट्राई कर रहा था बट उसका टॉप वन नहीं हो पाया था। फिर उसने मेरे को रिक्वेस्ट भेजा था, ऐसे करके हम दोस्त बने थे, तो वो हमेशा मेरे को बोलता था कि बेटू भाई आपने टॉप वन नहीं करने दिया मुझे यार, मतलब मजाक में बोलता था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, इन फ्यूचर तेरे नाम से टॉप वन करेंगे कभी। एंड फिर वो कभी हो नहीं पाया तो बस उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट सीजन में ट्राई करूंगा टॉप वन करने का पूरे तरीके से। मतलब ट्राई किया नेक्स्ट सीजन में टॉप वन करूंगा शानी के लिए। एंड अभी के सीजन में भी मैं रैंक पुश कर रहा हूँ, इस सीजन में ट्राई करूंगा कि भाई टॉप हो जाए, जितना हो सके उतना टॉप हो जाए। ट्राई करूंगा कि वन के लिए जरूरत पड़ने पे ग्लिच भी यूज करूंगा बट नेक्स्ट सीजन गारंटी है, नेक्स्ट सीजन में शानी के लिए पुश करूंगा। होप करते वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक कर देना एंड शेयर जरूर करना। टाटा बाय बाय, टेक।